रही है। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। यहाँ पर एक गुलाब जामुन के बारे में बात की गई है जो कि एक शुगर सिरप के अंदर डला हुआ है और उसके अंदर जो टोटल गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30% सिरप भरा हुआ है। ऐसे हमें 45 गुलाब जामुन के अंदर ये बताना है कि कितना सिरप भरा हुआ है, उसका वॉल्यूम कितना होगा। यहाँ पर ऐसा बताया माना गया है कि जो गुलाब जामुन है वो दोनों साइड से हेमिस्फीयर के फॉर्म में गोल है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और इसकी जो डायमीटर है वो 2.8 है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 2.8, ए वाला हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसका जो रेडियस है 2.8/2 इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। और अब हमको इस सिलेंड्रिकल एरिया की भी हाइट चाहिए है। टोटल हाइट हमको 5 सेंटीमीटर दी हुई है, इसलिए हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 5 माइनस इस साइड का रेडियस और इस साइड का रेडियस, क्योंकि जो भी हेमिस्फीयर की रेडियस होती है वही उसकी हाइट होती है, इस हिस्से में जुड़ा है और इस साइड भी, इसलिए 1.4 दोनों साइड से माइनस कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। ये हमारी सिलेंडर की हाइट निकल आएगी। अब हम इसमें टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे। टोटल वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल एरिया सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम प्लस बोथ साइड हेमिस्फीयर वॉल्यूम, दोनों साइड के हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। तो सिलेंड्रिकल पार्ट का जो एरिया होगा यानी सिलेंडर का वॉल्यूम, तो इसका फॉर्मूला होता है हमको पता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 2/3 पाई आर क्यू, बोथ साइड दोनों हैं इसलिए इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी मटेरियल कॉमन हो सकता होगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए पाई दोनों में है, आर स्क्वायर यहाँ आर स्क्वायर है, आर क्यू तो स्क्वायर बाहर हो जाएगा। यहाँ पर बच गया एच प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/3 पाई बाहर चला गया, आर स्क्वायर बाहर चला गया, यहाँ पर बचा आर। 22/7 आर की वैल्यू है 1.4 का स्क्वायर, 1.4 है स्क्वायर इसलिए स्क्वायर लगा दिया। एच की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है 2.2 प्लस 4/3 आर की वैल्यू है 1.4। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सरल करने के लिए सबके पॉइंट हटा सकते हैं। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू 14/10 पॉइंट हटाने के बाद मल्टीप्लाई 14/10 स्क्वायर इसलिए 2 टाइम लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू है यहाँ 22/10 प्लस 4 इंटू 14 56/30। इसका हम एलसीएम ले लेंगे 30 तो यहाँ हो जाएगा 66 प्लस 56, 7 से 14 को क्रॉस कर देंगे 2, वैल्यू हो जाएगी ऊपर 22/2 इंटू 14/100 और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 122/30। ये इतना वॉल्यूम हमारा, इसको हम काट सकते हैं अभी। इसका वॉल्यूम जो है अभी पूरे गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया है, क्योंकि इसमें बताया गया है 30% ऑफ गुलाब जामुन। इसका 30% लेना है तो 30% लेने का अर्थ होता है 30/100 से मल्टीप्लाई कर देना। 30% ऑफ गुलाब जामुन, तो इस टोटल वॉल्यूम को हमने लिखा 22 × 2 × 14 × 122 / 100 और इंटू ये वाला 30, इसका 30% यानी 30/100 45 गुलाब जामुन के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इसको क्रॉस कर लेते हैं, इस 30 से इस 30 को कैंसिल कर देते हैं,
और यदि हम इस 100 को क्रॉस ना करें तो डिवाइड करने में बहुत आसानी हो जाएगी। यदि हम चाहें तो इसको क्रॉस कर सकते हैं, तो कर लीजिए क्रॉस। 2, 11 यहाँ हो जाएगा 50, इस 2 से क्रॉस हो जाएगा 25, इस 5 से 5 जा 9 जा हो जाएगा, और इस 14 को 2 से 7 ये हो गया 50, 122 आएगा और इसका वैल्यू हो जाएगी 25। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 422 73/125। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 338.18। इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग चाहें तो 338 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर एक पेन स्टैंड के बारे में बताया गया है, एक वुडन ब्लॉक है क्यूबॉइडल, इसके डायमेंशन 15, 10 और 3.5 दिए हुए हैं। इसके अंदर कॉनिकल फॉर्म में 4 डिप्रेशन यानी अंदर की तरफ गड्ढे बने हुए हैं, इसमें पेन लगाए जाते हैं, जितना पार्ट इसमें से बाहर निकाल दिया गया है तो इसका पूरे जो एंटायर पेन स्टैंड है इसका हमको वॉल्यूम निकालना है। तो उस वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले हमको देखना होगा द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक। तो इस ब्लॉक की जो डायमेंशन है एल 15 दिया हुआ है, बी 10 दिया हुआ है, H1 बोलेंगे क्योंकि इसकी हाइट वुडन ब्लॉक की, इसको H1 लिख दिया हमने क्योंकि हमको भी कॉनिकल ब्लॉक की भी हाइट चाहिए पड़ेगी, इसलिए उसको H2 बोलेंगे, इक्वल टू 3.5। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू L इंटू बी इंटू H। इसके बाद अब हमको चाहिए पड़ेगी कौन की हाइट, तो कौन की हाइट हमको यहाँ पर दी हुई है, देखिए हाइट ऑफ कौन H1 1.4 सेंटीमीटर दी हुई है, साथ में इसमें रेडियस दिया हुआ है R इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस ये कौन बने इसका ये रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है यानी ये गहराई है जो H ये आपको 1.4 दी हुई है। हमको सारी वैल्यू दी हुई है, अब केवल फार्मूला पुट करना है। फार्मूला हम सही से पुट कर सके तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक या पेन स्टैंड इक्वल टू, इसको वी बोल देते, हमको सबसे पहले इसमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम चाहिए है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन आल वॉल्यूम कितने हैं 4 हैं इसमें, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है L इंटू बी इंटू एच माइनस कॉन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 जे H1 है यहाँ पर। इसको चूँकि 4 ब्लॉक बने हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 4 कॉनिकल डिप्रेशन है, इसलिए 4 कॉनिकल के लिए इसको मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे। अभी फॉर्मूले में वैल्यू रख लेंगे 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 इंटू 22/7 आर की वैल्यू दी हुई है 1/0.5, तो 0.5 को 5/10 लिख लेंगे, 2 टाइम्स लिखना है इसलिए 5/10, और H2 की वैल्यू दी हुई है 1.4 इसको 14/10 लिख लेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई 35 इक्वल टू 525 मल्टीप्लाई 10, ठीक है पॉइंट हट जाएगा इसमें से,
माइनस, इसको क्रॉस कर दीजिए, 7 2 जा 2 से इसको कर दीजिए 5 जा, इस 5 से इसको कर दीजिए, तो इसकी जो वैल्यू है 22, और इस 5 से इसको कर दीजिए 2, इस 2 से इस 2 को कर दीजिए 4 को 2, और इस 2 से इस 10 को कर दीजिए 5, ऊपर क्या बचा 22, 3 5 जा 50। इसका यदि हम एलसीएम ले लेंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 5 जा 75 माइनस 22, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 8 5 3, माइनस करेंगे इसमें से अपॉन 15, इसको डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाना चाहिए 5 15 5 75 15 2 जा 15 3 जा पॉइंट, चूँकि वॉल्यूम है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा।